पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकलन के बारे में, अवकलन के पांच नियम के बारे में बताया था आपको। कौन कौन सा नियम? अचर का नियम, योग और अंतर का नियम, गुणनफल का नियम, भागफल का नियम और निहित फलनों का अवकलन, जिसको कि चेन ला हमने कहा। निहित फलन यानी फलनों का फलन, उसके कुछ उदाहरण भी हमने दिया था। तो लास्ट दो वीडियो जो आपने देखा होगा अवकलन पे, एक तरह से अवकलन का मजबूत बेस आपका तैयार है। आइए आगे कुछ और उदाहरण लेकर के उसको क्लियर करते हैं। साथ साथ आज हम लोग एक नया चीज भी पढ़ेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक फंक्शन। तो पहले चेन ला पे कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, डीडीएक्स ऑफ लॉग साइन एक्स और एक क्वेश्चन है इधर डीडीएक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। बेस नहीं लिखा है तो क्या मान के चलेंगे कि बेस ई है, चाहे तो लिख भी देते हैं लॉग है तो। ये कुछ उदाहरण, कुछ फार्मूला हमने फिर से लिख दिया है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि बार बार सर फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, हम लोग को तो लर्न हो गया है। तो लर्न हो गया है तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं बार बार लिख देने से, जितनी बार देखिए उतना ही मजबूत होता जाता है मैथ का। तो यही नियम ही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए तो मैथ आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो हमने सारे फार्मूला नहीं लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, देखिए अवकलन हमने नहीं लिखा है, कुछ लिखा। अब देखिए दो क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहां देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स है और यहां साइन ऑफ लॉग एक्स है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले साइन एक्स का अवकलन कर देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किसको पहले हम लोग अवकलन करेंगे। ये लॉग साइन का फंक्शन है और साइन एक्स का फंक्शन है, और इसमें क्या है, साइन लॉग का फंक्शन है और लॉग एक्स का फंक्शन है। तो ये ध्यान देंगे, ये लॉग एक्स है, लॉग एक्स है क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट याद है आपको, वन अपॉन एक्स। और ये एक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे, चेन लॉ में हमने क्या बताया था उसका फिर से अवकलन करेंगे, डीएक्स ऑफ साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आप जानते हैं क्या होता है, कॉट एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहां क्या करेंगे, ये देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स तो है नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसका फिर से अवकलन करेंगे और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपान एक्स। तो इसका आंसर हो गया, अपान पूरे को भी एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे पहले साइन देखेंगे, नहीं पहले लॉग देखेंगे फिर साइन, और इसमें पहले साइन देखेंगे फिर लॉग, इसका ध्यान रखेंगे। पहले क्या है, लॉग है फिर साइन, इसमें क्या है, पहले साइन है फिर लॉग है। तो पहले साइन के फंक्शन का हम लोग अवकलन करेंगे फिर लॉग के फंक्शन का, बहुत ही आसान है। अगर एक दो एग्जाम्पल और देख लें तो ये और आसान होता चला जाएगा। फिर आपको कुछ हम घर के लिए क्वेश्चन देंगे जिसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और फिर हम लोग अस्पष्ट फलनों का अवकलन आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत इसको आप समझ गए हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे
एक जैसे आप समझिए एफेक्ट टू द पावर होल टू द पावर एन, तो ये हमेशा पहला फार्मूला ये इसको कहते हैं, इस फार्मूले से यूज करेंगे। फार्मूला चैन नंबर वन चैन नंबर टू, कोई जरूरी नहीं कि इसका कोई सीरियल नंबर हो कि यही वन है यही टू है, तो इसका क्या होगा कैसे करेंगे हम लोग, एन एफ एक्स पे एन माइनस वन इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कल भी हमने इसका चर्चा किया था कि साइन एक्स होल टू द पावर थ्री है और एक साइन एक्स पे क्यों पावर थ्री है, तो उनमें दोनों में डिफरेंस हमने बताया था। तो इसलिए पहले अगर किसी भी फंक्शन पे कोई पावर होगा तो आप इस फॉर्मूले के बारे में ही सोचेंगे, जैसे लॉग कॉट एक्स अंडर रूट, लॉग ऑफ कॉट एक्स। अब क्या होगा, अब कुछ लोग इसमें कॉट एक्स का सोच रहे हैं कि पहले करें कि लॉग का करें, नहीं आप ध्यान दें इसको पहले आप रूट है तो इसको पावर बना पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे होगा, लॉग ऑफ कॉट एक्स होल टू द पावर वन बाई टू। अब आप देखिए ये ब्रैकेट के ऊपर क्या है पावर वन बाई टू, तो हम लोग इस फार्मूले को पहले लगाएंगे फिर उसके बाद लॉग का फंक्शन फिर काट करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि पहले हमको किसको करना है। अब इतना ध्यान दे देंगे तो फिर अब कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें, बाकी तो फार्मूला आपको देखना है। तो क्या होता है, वन अपॉन टू लॉग ऑफ कॉट एक्स होल टू द पावर वन माइनस वन बाई टू, एक में से एक बटा दो को घटाएंगे तो कितना होगा एक बटा दो माइनस वन बाई टू। लेकिन ये एक्स तो है नहीं, देख लीजिए क्या ये एक्स है, नहीं है। तो अगर ये एक्स नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे। चलिए फिर से करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉट एक्स, अब लॉग बेस की बेस चाहे लिखिए या ना लिखिए, हमने बताया ना कि अगर बेस नहीं लिखा है तो आप बेस ई ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, और अगर कोई दूसरा बेस है तो उसको शो करना पड़ेगा। वन अपॉन टू लॉग ऑफ कॉट एक्स होल टू द पावर माइनस वन बाई टू, ये तो हो गया है, ठीक है, इतना तो आपने कर दिया है पहले से। अब हमको इसका करना है माइनस वन बाई टू, लॉग कॉट एक्स का क्या होगा वन अपॉन कॉट एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो लॉग कॉट एक्स का क्या होगा वन अपॉन कॉट एक्स। फिर वही बात, ये एक्स तो है नहीं, तो एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से इसका अवकलन करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, बस हो गया एक स्टेप और। कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, वन बाई टू लॉग ऑफ कॉट एक्स माइनस एक बटा तो है ना पावर, तो इसको आप चाहे तो अपान भी कर सकते हैं। देखिए कॉट एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट लॉग कॉट एक्स, ये तो मालूम होगा ना एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू क्या होता है, एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू क्या होता है वन अपॉन रूट एक्स, ये तो आप लोग सेवेंथ एट में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए। कॉट एक्स हमने लिख दिया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉट एक्स पावर है, ये तो रूट में रहेगा नहीं तो इंटू कॉट एक्स, ये इसका आंसर होगा, ध्यान से देख लीजिए आप लोग।
देखिए निहित फलन में तीन प्रकार के निहित फलन की हम चर्चा करेंगे, जो अथराइज शब्द नहीं है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं निहित फलन या कंपोजिट फंक्शन, इसको सिंपल कंपोजिट फंक्शन, साधारण निहित फलन और इसको सुपर साधारण निहित फलन। ये तीन कैटेगरी में बांट देने से और आसान हो जाएगा। सुपर साधारण मतलब एक्स में किसी अचर का योग हुआ हो तो इसको सुपर साधारण, एक्स में किसी अचर का गुणा हुआ हो ये साधारण है और ये तो मतलब ये निहित फलन है। इसको सुपर साधारण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, आप लिख देंगे कॉस एक्स प्लस फाइव, आगे आपको कुछ नहीं करना। क्यों? एक्स का होगा एक, फाइव का होगा करेंगे तो वही आएगा, एक आएगा इसका। तो अगर एक्स में किसी अचर का योग हुआ हो तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, और गुणा हुआ हो तो इसको साधारण में हम कहते हैं कि साधारण निहित फलन है। इसका क्या होगा? देखिए साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, तो इसका। लेकिन इसमें एक्स में जिस अचर का गुणा हुआ हो उसका यहां पे बाहर उसको आप यहां लिख दीजिए, ये भी डायरेक्ट हो गया। इसमें भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा इसमें करना पड़ेगा, साइन एक्स क्या होता है? कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपान एक्स। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस कोई कांस्टेंट हो तो उसका एकदम डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, उसी फॉर्मूला जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई कर दीजिएगा। और एक्स में किसी चीज का गुणा हो, जैसे और देख लीजिए, कुछ और उदाहरण देख लीजिए, आप चाहे तो उसको हर क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सेवन, ठीक है, क्या है? एक्स में किसी अचर का योग है, क्या है? ये सुपर साधारण कंपोजिट फंक्शन। तो क्या करेंगे इसको? डायरेक्ट लिख लीजिए एक्स प्लस सेवन, कुछ नहीं करना, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम रूल से करना चाहते हैं, करेंगे वैसे ही होगा क्योंकि एक्स तो है नहीं, इसका फिर से अवकलन करिए तो क्या होगा? एक्स प्लस सेवन, एक्स का क्या होता है? वन, सेवन का क्या होगा? कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो, वही आया ना। तो जब भी किसी अचर का योग हुआ होता है तो आगे कुछ नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और अगर इस तरह से हो ए एक्स प्लस बी, तो ई टू पावर एक्स का क्या होता है? ई टू पावर एक्स, ये किस कैटेगरी में आता है? साधारण, वो तो सुपर साधारण था, इसमें एक्स में किसी अचर का गुणा हुआ है तो क्या करेंगे? ए को आप यहां लिख दीजिए, बस हो गया। लेकिन आप भूल से करना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चन को आपको आगे डायरेक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बार बार कितना डिटेल में लिखेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब देखिए क्या होगा इसका? ए एक्स का क्या होता है? वन, और बी का क्या होता है? जीरो। ए इंटू वन, बी का हो गया जीरो, ए बाहर आ गया, हो गया, बात वही आया ना। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर ये ले लीजिए ई टू द पावर कॉट एक्स, अब तो ये करना पड़ेगा। तो ई टू पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स, लेकिन ये एक्स है नहीं, एक्स प्लस मतलब सुपर साधारण या साधारण में नहीं आता है। एक्स के स्थान पर कोई अचर का योग हो या गुणा हो ऐसा भी नहीं है, एक नया फंक्शन है, तो इसको आप कर दीजिए। क्या करेंगे? फिर से इसका अवकलन कर देंगे। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर कॉट एक्स। इसमें कुछ खास है नहीं, आप देख रहे हैं। ये चाहे तो आप इसको नियम से भी कर सकते हैं, मैं जैसे बताया, और डायरेक्ट भी इन दोनों को कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको लिख के इसको भी बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे इट फॉर काटेक्स, काटेक्स का डायरेक्ट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अवकलन करके गुणा कर सकते हो।
लेकिन अभी शुरुआत है तो एक एक क्वेश्चन को विधिवत किया जा रहा है। कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं आपको घर पे करने के लिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें से कुछ बताएंगे भी, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है जिसको आपको घर पे क्या करना है, डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 बता दे रहे हैं, बाकी 4 तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट x। ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्वेश्चन लिख दे फिर से, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट x। आप देखिए सबसे पहले किस क्या करेंगे, कुछ लोग पहले रूट एक्स कर देते, वो तो गलत हो ही जाएगा। सबसे पहले आपको सेक दिख रहा है, सेक का फंक्शन है, वाई सेक का, सेक टेन का, टेन रूट एक्स का, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, sec x का क्या होता है, sec x into tan x, तो sec यहां x की जगह पे ये है, sec x into tan x, लेकिन ये हमने अंडरलाइन किया है, x है क्या, नहीं है, तो फिर इसका फिर से करिए, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, सेक ऑफ, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन फिर से यही चीज, ये x नहीं है ना, तो इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब x टू द पावर 1/2, बस होने ही वाला है, ये लास्ट स्टेप है, tan ऑफ tan रूट एक्स, sec ऑफ tan रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/2 का क्या होगा, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, यानी कि -1/2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब इतना तो आप जानते ही होंगे 1/2 -1 क्या होता है, -1/2, तो हो गया, इसको 1/√x लिख दे, बाकी तो सब हो गया है, तो sec ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2√x, ये इसका आंसर है, ध्यान से इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो भागफल विधि लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, तो क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, एक डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ न्यूमरेटर, माइनस अंश
यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का अवकल गुणांक क्या है, हर कॉस सी एक्स प्लस डी, दिख रहा होगा थोड़ा सा छोटा हो जाए थोड़ा सा, सी एक्स प्लस डी अपान पूरे हल का, हर का होल स्क्वायर होता है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको आगे, बहुत ही आसान होता है कैलकुलस, हमने पहले ही बताया कि न सिर्फ आसान होता है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। आपको पिछले दो वीडियो को ध्यान से बस देखना, आपने देख लिया और एक बार अवकलन मजबूत, यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलस ही आपका स्ट्रांग हो गया। साइन, अब देखिए कैसा है इम्प्लिसिट फंक्शन, उन्होंने बताया था ना साधारण, इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। साइन का क्या होता है कॉस, साइन एक्स का क्या होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर कर दें, हो गया, क्योंकि एक्स में किसी अचर का अगर गुणा हुआ हो तो उसको बाहर कर देंगे, योग से तो कोई मतलब नहीं हो तो उसका जीरो होता है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब आप कह रहे हो माइनस तो सब लिखे नहीं, माइनस हम यहां देते रहे, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या होता है प्लस, तो कर दें यहां प्लस। और ये कैसा फंक्शन है, कैसा कंपोजिट फंक्शन है, कैसा निहित फलन है, साधारण x में c का एक अचर का गुणा हुआ है तो उसको क्या कर दें हम लोग, उस c को यहां बाहर कर दें, बस हो गया, c यहां लिख दिए और नीचे वही हो गया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब चाहे तो इसको दोनों से डिवाइड, दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, वो तो कैलकुलस का काम खत्म हो गया। अब चाहे तो इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप, नहीं तो काम हो गया, हमने इतना बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दो चीजें हैं, निहित फलन तो है ही, साथ साथ गुणनफल का भी नियम लगेगा। देखिए दो फलनों का गुणनफल है, तो पहले तो गुणनफल नियम लगाएंगे फिर अलग अलग अवकलन करेंगे। तो क्या होता है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे फलन का अवकल गुणा। देखिए क्वेश्चन स्क्वायर था तो हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात होता है, ये तो आप जानते हैं। तो डी बाई डी एक्स दूसरे फलन का अवकल या अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है होल स्क्वायर, एक्स टू पावर टू क्या होता है, अगर पूरे फंक्शन के ऊपर पावर लगा है तो हम लोग एक्स टू पावर एन फार्मूले पे ही कंसीडर करेंगे, उसी पे ही विचार करेंगे, और अंदर साइन और ये सब मत देखिए पहले, कुछ लोग जहां इधर अंदर जाके देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऊपर से देखिए, बाहर से ये देखिए क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स टू द पावर फाइव का कितना पावर हो जाएगा, टू माइनस वन, लेकिन ये x है क्या, x है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर फाइव। आगे चलते इधर, इसको तो आप ऐसे लिख लेंगे चुपचाप, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स है ना,
अब कुछ लोग फिर वही होगा, पहले x क्यूब सोचेंगे कर दें तो गलत हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। लेकिन क्या ये x है? x है? नहीं, तो नहीं है तो फिर से करिए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए टू कास एक्स क्यूब, टू को पहले कर दिए तो इससे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, तो वो लिख दिए साइन एक्स टू पावर 5, और 1 है तो कुछ करना ही नहीं। अब इसका करना है, ये भी निहित फलन है, तो साइन एक्स का क्या होगा? क्या होता है? कॉस एक्स। अभी अंदर नहीं जाइए, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन फिर क्या ये एक्स है? नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या है? एक्स टू द पावर 5 है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, और ये माइनस पहले कर दें, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x². अब एक लाइन और इसका कर देंगे, क्या होगा? 5x⁴, बाकी सब तो आपके सामने है, तो 5x⁴ होगा ना, x⁵ का क्या होगा? x⁴n का होता है n, x⁴n-1, तो इसका 5x⁴। तो उस 5 को हम पहले कर दें, यहां पे 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, लिख दे रहे डायरेक्ट, आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो समझ जाएंगे। कास एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5, कास एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 4, 5 भी एक्स टू द पावर 4 था, लेकिन वो 5 कहां चला गया? गायब। नहीं, 5 टू जा 10, और ये क्या हो जाएगा? -3। क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू x² या x² पूरा 3x² को ही पहले कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे ना, एक्स क्यूब में 3x² से इसको कोण में गुणा कर देंगे, कोण में तो गुणा होगा नहीं, ये तो पूरे फलन में गुणा है, तो 3x² को इसलिए इधर कर दिया। यहां भी गलती कर देते हैं बच्चे, लिख देते हैं 3 × x²⁵, एक्स में नहीं है ये, पूरे इसमें गुणा है, ठीक है ना? साइन एक्स क्यूब में 3x² से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? देखिए आपने एक चीज ये भी कर दें, जैसे यहां पे एक्स क्यूब को इधर कर दिया, तो एक्स टू पावर 4 को भी क्या करें? बाहर कर दें, तो ये और ठीक हो जाएगा, 10x⁴, क्योंकि यहां भी फिर वही प्रॉब्लम आएगा, एक्स टू पावर 4 यहां रहता तो कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5x⁴ यहां कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, x⁴ यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, तो ये इस क्वेश्चन का। अब आप बाकी कर लेंगे, इसको शुरू में इस तरह का एक हमने क्वेश्चन लिया है, काट x² एक लाइन लिख देते हैं, इसको लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। काट x² पे कितना पावर है? 1/2। अब इसको डायरेक्ट एक लाइन में बताएं क्या? कुछ लिखना उन्होंने झंझट नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy/dx क्या होता है? 1/2 x⁴ 1/2 का क्या होता है? -1/2, और फिर ये काट एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका क्या होगा? काट एक्स का क्या होता है? काट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहां लिख दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर, फिर ये एक्स तो है नहीं, तो फिर से इसका क्या होगा? 2x, तो 2x यहां लिखते हैं, यहां भी लिख सकते हैं एक लाइन में। पहले क्या किया हमने, देखिए कॉट एक्स में कितना पावर है? 1/2, यानी y किसका फलन है? cot x² होल टू द पावर 1/2, फिर cot x² और cot किसका फलन है? x² का। तो पहले हम लोग ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n वाला, फिर cot x का, फिर x² का करेंगे, ओके? तो ये क्वेश्चन में, और यहाँ क्वेश्चन लेके 2 भी था, तो 2 आप अंत में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो तो क्वेश्चन का ये हिसाब ने आपको बताया एक लाइन में, चल लीजिए कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक 2 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या, यहाँ लेफ्ट पे से लिख देते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है?
ये इस क्वेश्चन का अगर टू रहेगा तो टू से मल्टीपल वो तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट का रूल से उसको बाहर कर लिया जाता है। तो ऐसे हमने बताया आपको ये 8 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है। और अस्पष्ट फलनों का अवकलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये अस्पष्ट फलन क्या होता है। जैसे इससे पहले जितना आपने क्वेश्चन किया था चाहे वो निहित फलन हो या नहीं हो, ऐसे साइन ऑफ लॉग एक्स, तो y का मान स्पष्ट रूप से x का एक फलन था। इन सब क्वेश्चन में क्या होगा, y x का स्पष्ट फलन नहीं होगा, नाम से ही कुछ अर्थ निकल रहा है अस्पष्ट। देखिए ये हमने कुछ उदाहरण लिया और बहुत सारे उदाहरण सकते हैं, जैसे साइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों के मन में भी होता है कि जब आप कर रहे हैं दोनों पक्षों का तो वाई तो y का जीरो क्यों नहीं कर रहे हैं, y कांस्टेंट नहीं है, x चर है, y भी चर है, x और y के अलावा जो कुछ है वो सब अचर है, और अगर उसमें को भी कोई चर होगा तो उसको हम लोग अवकलन जीरो नहीं करेंगे लिखेंगे। तो y परतंत्र चर होता है और x स्वतंत्र चर होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे अस्पष्ट फलनों का तो उसी तरह से करेंगे, कोई नया चीज नहीं, हमने तो पहले ही बता दिया था कि दो वीडियो आपने अगर बढ़िया से पढ़ लिया है तो आपको अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज बस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके आगे ज्यादा डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन को, जैसे हमने इसको पहला लिया है तो कैसे करेंगे वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा इसके आंसर x और y दोनों के टर्म में दिए जा सकते हैं, x और y के पद में, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे dy by dx क्या करते थे, dy by dx समान x के पदों में देते थे, लेकिन यहां आंसर जो dy by dx होगा उसको x और y दोनों के पद में दिया जा सकता है। तो जैसे अवकलन होता है आप करेंगे, अगर एक से अधिक dy by dx आएगा तो उसको आप सब dy by dx को एक तरफ लाएंगे बाएं तरफ, फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे और कॉमन ले लेने के बाद dy by dx का आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए एक पहले क्वेश्चन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये इसलिए हमने बताया कि ये यहां तक 11th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी अस्पष्ट फलन आते हैं, दो फलनों के सापेक्ष अवकलन इस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा हम उसका चर्चा करते रहे। अब देखिए क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 25 एक्स स्क्वायर का क्या होगा, याद है ना 2x, और वाई स्क्वायर क्या है, वाई क्या है चर है लेकिन स्वतंत्र चर नहीं है, परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका भी वैसे ही करेंगे जैसे कि x का करते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू वाई टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, लेकिन ये x तो है नहीं तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x नहीं है तो उसका बार बार अवकलन करते हैं, यानी जब भी y के पद आएंगे तो उसमें dy by dx जरूर लग रहा रहेगा, और कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, तो 2x इसको इधर देते जाइए माइनस टू आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, टू से टू कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है ध्यान से देख लीजिए। एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी अस्पष्ट फलन है ना, वाई के पदों में एक्स के मान नहीं है, मतलब वाई का मान जो है स्पष्ट रूप से एक्स के पद में नहीं है, वाई एक्स का स्पष्ट फलन नहीं है, तो फिर वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बार बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या होगा d by dx ऑफ x टू द पावर 1/2, तो ऐसा ही है क्वेश्चन, और भी लेंगे कल हम लोग ज्यादा लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको ज्यादा हम लोग इसको और एग्जांपल लेकर क्लियर करेंगे। d by dx ऑफ y टू द पावर 1/2 प्लस, इसको तुम मिटा दे आपने देख लिया
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। अब इसका क्या होगा, वन अपॉन टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। ये तो कई बार आके आप समझ रहे होंगे, वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन बाई टू होता है। वन अपॉन टू वाई टू द पावर माइनस वन बाई टू, वाई का भी वैसे ही करेंगे क्योंकि भी वेरिएबल है, ये भी चर है, लेकिन एक्स नहीं है। तो एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे एक्स के हिसाब से, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ठीक वाई के भी फंक्शन का वैसे ही अवकलन करेंगे जैसे कि एक्स का, बस उसमें इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे आप लोग। और यहाँ वन अपॉन टू ए टू पावर माइनस वन बाई टू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। अब इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर दे दीजिए, वन अपॉन टू रूट वाई माइनस वन टू द पावर टू क्या होता है, वन अपॉन रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, टू से टू कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, रूट वाई अपान एक्स, रूट वाई अपान रूट एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक्स और वाई दोनों के पदों में आ रहा है, पिछले क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, एक्स और वाई के पदों में आ रहा। तो इस तरीके से ऐसे फलनों को क्या कहेंगे हम लोग, अस्पष्ट फलन। तो अब इतना आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अब आगे की वीडियो में हम और ज्यादा अस्पष्ट फलनों का उदाहरण लेकर के आपको और ज्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये तीन वीडियो अवकलन के शुरू के तीन वीडियो पूरे कैलकुलस का बेस, अगर आप समझ लीजिए कि पेड़ तैयार फल तैयार, अब आपको फल तोड़ के खाना है बस, क्योंकि अवकलन यानी कि कैलकुलस से आसान मैथ में हमने कल भी बताया था, कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई ब्रांच मैथ का इतना आसान नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर पे आराम से वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फार्मूले पे पकड़ बनाए रखिए, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।